नमस्कार, मैं विनीता मालवत। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। दो ऐसे महीने जब बच्चे एग्जाम को लेकर कुछ ज़्यादा ही टेंशन में रहते हैं। इस कारण बच्चे ढंग से सो नहीं पाते हैं और ना ही अच्छे से खा पाते हैं। इन सब के कारण पढ़ने में कॉन्सेंट्रेशन की कमी आने लगती है। पढ़ने के लिए बच्चे देर रात तक जागते हैं। इस दौरान भूख लगने पर चिप्स, कुरकुरे आदि खाते रहते हैं जिससे बच्चों की भूख मर जाती है और वो हेल्दी फूड नहीं खा पाते हैं जिससे एग्जाम में वीकनेस आने लगती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी है एग्जाम टाइम में पढ़ाई के साथ सेहत पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। आइए जानते हैं कि एग्जाम्स के दिनों में कैसा हो बच्चों का आहार। बच्चों को मॉर्निंग में उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी दें। इसके बाद कोई भी एक फ्रूट दें, एप्पल या बनाना आदि। खाली पेट फल सेहत के लिए बेस्ट टॉनिक होते हैं। इससे बच्चों में एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। इन दिनों ज़्यादा टेंशन की वजह से बच्चे खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वे थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को कुछ न कुछ खिलाते रहें। उनके खाने में ज़्यादा गैप ना रखें जिससे बच्चों में ऊर्जा स्तर बना रहेगा। बच्चों को आलू चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पैक जूस आदि नहीं दें। ये सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं। सही स्नैक्स सेलेक्ट करें जैसे मुरमुरे, पॉपकॉर्न, मखाने, रोस्टेड मूंगफली तथा भुने हुए चने। ये बेस्ट स्नैक्स होते हैं बच्चों के लिए। बच्चों में एनर्जी को बनाए रखने में ये मदद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक की जगह फ्रेश फ्रूट जूस दें, ग्लूकोज का पानी, सिकंजी, नारियल पानी आदि। बच्चों को भरपूर मात्रा में सब्जियां खिलाएं, स्पेशली पालक, मेथी, मशरूम, शिमला मिर्च, बैंगन, हरी व लाल पत्ता गोभी। सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन, रेशा व खनिज पाए जाते हैं जिससे दिमाग भी अच्छा रहता है और आलस भी नहीं आता है। रात को डिनर 8 बजे तक और नियंत्रित मात्रा में दें। डिनर में स्टफ रोटी, सूप और सब्जी बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को प्रोटीन फूड जरूर दें जैसे अंकुरित अनाज, दालें, अंडा, सोया दूध, पनीर, टोफू, मछली आदि प्रोटीन से भरपूर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे प्रोटीन फूड रात को ना दें। बच्चे एग्जाम देने जाए तब उन्हें पानी की बोतल साथ में दें, चाहे तो लेमन जूस, ग्लूकोज, नारियल पानी भी दे सकते हैं। और बच्चों को बोलें कि बाहर का खाना अवॉइड करें। इसके अलावा बच्चों के पढ़ने का टाइम टेबल जरूर बनाएं। सेल फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद रखें। कम से कम एक घंटा स्ट्रेस फ्री होकर अपना पसंदीदा काम करें, चाहे टीवी देखें, खेलने जाएं या फिर सैर करें। नींद के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करना है। 8 घंटे की पूरी नींद लें। ज़्यादा पढ़ाई का दबाव ना करें क्योंकि दबाव से जो पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। तो इन तरीकों को अपनाएं और अपने बच्चों को बेस्ट डाइट और रूटीन दें और उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।